हेलो दोस्तों, देखिए आज हम ये फ्लावर डिज़ाइन लेके आए हैं। ये डिज़ाइन आप लोगों को कैसा लग रहा कमेंट करके बताइएगा। पसंद आए लाइक एंड शेयर कीजिएगा। बहुत ही इजी डिज़ाइन है ये और बहुत जल्दी बन के तैयार हो जाता है। तो ये डिज़ाइन कैसा लग रहा ज़रूर बताइएगा। प्लीज़ लाइक एंड शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। तो चलिए बना लेते हैं। तो बनाने के लिए हम पहले ऐसे नॉट लगा लेंगे और उसके बाद 1 2 3 4 5 एक 6 चेन करेंगे और पहला जो है इसमें लेके हम जॉइंट कर लेंगे, ऐसे बांध लेंगे। अब उसके बाद से 1 2 3 4 फोर चेन डबल फंदे त्रिबुल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3, देखिए 2 हो गया। उसके बाद से 1 2 2 चेन कर लेंगे, 2 चेन करके और फिर डबल फंदे फिर से त्रिबुल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 डबल फंदे एक और बना लेंगे यहाँ पर, देखिए उसके बाद से 2 चेन फिर डबल फंदे लेंगे फिर एक पास 2 बनाएंगे हम, ऐसे एक और एक बनाएंगे 2, देखिए 2 बना लिए। फिर 2 चेन फिर 2 बनाएंगे फिर 2 चेन करेंगे, 2 2 एक एक पास बनाएंगे और 2 2 चेन करेंगे कंप्लीट करते राउंड में। तो देखिए हमने ऐसे 8 जगह ऐसा बना लिया, 8 जगह देखिए 2 2 का बना लिया ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8। अब पहले वाले में ले के हम ऐसे यहाँ पर ज्वाइंट कर लेंगे और उसके बाद इसे हम कट करके निकाल लेंगे ऐसे। अब इसे हम बैक साइड लगा लेंगे, ऐसे। अब उसके बाद से अब यहाँ से दूसरा कलर लेंगे और लेके ये 2 2 चेन जो किए हैं इसमें लेके ऐसे बांध लेंगे और उसके बाद 1 2 3 4 फोर चेन डबल फंदे ट्रिपल क्रोशिया 1 2 3, देखिए यहाँ पर 2 बना लिए। उसके बाद 1 2 3 4 5 फाइव चेन कर लेंगे डबल फंदे, सेम जगह पे फिर से बनाएंगे ट्रिपल क्रोशिया, एक और एक बना लेंगे यहाँ पर 2, देखिए 2 त्रिबुल क्रोशिया यहाँ पर हम बना लिए। फिर डबल फंदे लेंगे फिर दूसरा वाला ये चेन है इसमें बनाएंगे हम एक पास 1 और एक बनाएंगे 2, फिर यहाँ पर 1 2 3 4 5 फाइव चेन डबल फंदे सेम जगह पे ही फिर से एक और एक बना लेंगे 2, देखिए फिर डबल फंदे लेंगे फिर इसमें बनाएंगे हम ऐसे, देखिए ये बना के इसमें हम फाइव चेन कर रहे हैं फिर बना रहे हैं, देखिए 2 बना लिए फिर फाइव चेन किए फिर 2 ऐसा बना लिए त्रिबुल क्रोशे एक पास, एक से दूसरे जाने में हमें नहीं बनाना है इसके बीच में ही फाइव फाइव चेन करना है। तो यहाँ पर भी अब 2 बनाएंगे फिर फाइव चेन करेंगे फिर 2 ऐसा बनाएंगे त्रिबुल क्रोशिया सेम होल में ही और बना के ऐसे कंप्लीट करते हैं। तो देखिए हमने पूरे में ऐसे बना लिया। आप पहले वाले में लिए कि फिर से हम इसे ज्वाइंट करेंगे ऐसे और ये बांध के हम कट कर लेंगे ऐसे, देखिए। अब इसके बाद से हम दूसरा कलर लेंगे और जो ये फाइव फाइव चेन किए हैं इसमें बनाएंगे ऐसे बांध के और उसके बाद से हम ढाई को खींचेंगे ऐसे पफ बनाएंगे यहाँ पर 1 2 3 4 5 फाइव टाइम ढाई को ऐसे खींचेंगे फिर इसके नीचे से ऐसे निकालेंगे और ये बांध लेंगे। अब यहाँ पर 1 2 3 4 5 फाइव चेन फंदे लेंगे फिर से सेम जगह पे एक और पफ बनाएंगे ऐसे 1 2 3 4 5 फिर ऐसे निकालेंगे ये बांधेंगे। फिर यहाँ पर 1 2 3 चेन करके नीचे ऐसे जॉइंट कर लेंगे यहाँ पर और उसके बाद 1 2 3 चेन अब ये वाला है इसमें ले जाके ऐसे बांधेंगे फिर ढाई को खींचेंगे यहाँ पर पफ बनाएंगे 1 2 3 4
पांच, फाइव टाइम फिर से। अब फिर इसके नीचे से ऐसे निकालेंगे, बांधेंगे, फिर एक दो तीन चार पाँच, फाइव चेन, फंदे लेंगे, फिर एक और पफ यहाँ पर, एक दो तीन चार पाँच, फिर इसमें से ऐसे निकालेंगे, बांधेंगे। उसके बाद फिर सेम चीज़ करना है हमें, ऐसे एक दो तीन, थ्री चेन, नीचे ऐसे जॉइंट करेंगे, और उसके बाद एक दो तीन चेन, फिर दूसरा वाला ये चेन है, इसमें ले जाके ऐसे बांध लेंगे। देखिए फिर धागे को खींच के फिर से पफ बनाएंगे हम, फाइव टाइम धागे को खींचेंगे, तीन चार पाँच, फिर ऐसे निकाल लेंगे, बांध लेंगे, फिर फाइव चेन कर लेंगे, फिर तीन चेन करके नीचे, फिर तीन चेन करके दूसरे वाले में, तो ऐसे कंप्लीट करते हैं। तो देखिए हमने ऐसे ये बना कंप्लीट किया, और ये तीन चेन कर लिए हैं, पहले वाले में लेके हम ऐसे जॉइंट करेंगे, और इसके पास जो ये पहला है जहाँ पर पफ के लिए जॉइंट किए हैं, इसमें लेके और इसी में ऐसे बांध लेंगे, और उसके बाद इसे हम बांध के कट कर लेंगे। तो देखिए हमने ये बना के तैयार कर लिया। डिजाइन कैसा लग रहा कमेंट करके बताइएगा, पसंद आए लाइक एंड शेयर कीजिएगा, डिजाइन कैसा है ज़रूर बताइएगा, प्लीज़ लाइक एंड शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, थैंक यू।